हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। तो बैंक निफ्टी आज हम अच्छा खासा ओपनिंग दिया था, मगर उसके बाद में जो है तो हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। बैंक निफ्टी बंद हुआ है 36,200 पे, लगभग 300 पॉइंट नीचे, लगभग 0.75% लॉस के साथ हमने आज क्लोजिंग देखी है बैंक निफ्टी की। तो चलो देखते हैं एनालिसिस चार्ट पे अभी कैसे दिख रहा है। तो वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो लगभग हम 250 पॉइंट का लॉस दिखा रहे हैं फॉर द वीक, और हम लगभग 0.5% प्लस डाउन ट्रेड कर रहे हैं फॉर दिस वीक। तो यहाँ जो है तो ऊपर के लेवल से अच्छा खासा जो सेलिंग का प्रेशर है वो मार्केट पे आ रहा है, मगर यहाँ फिर भी वीकली चार्ट पे जो बाउंस बैक है वो मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू होगा आगे चल के। यहाँ जो है तो हमने अच्छा खासा सप्लाई देखा, जो 36,750 का लेवल था जो है इसका 20 वीक का एवरेज, तो उसके अराउंड जो है तो अच्छा खासा प्रेशर आया मार्केट पे, वहाँ से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने अच्छा खासा फ्रेश, हमने शॉर्ट टर्म हाई लगाया था, लगभग आज का हाई था 36,850 के ऊपर, तो वहाँ से जो है तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली बैंक निफ्टी में। और यहाँ जो है तो हम नीचे के जो एवरेजेस है उसको टेस्ट करने के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ और नीचे के लेवल पे 36,200 और उसके बाद में 35,800, ये दो मेजर सपोर्ट जोन है एवरेजेस के, तो इनको एज अ सपोर्ट देखना चाहिए। अगर मार्केट 35,820 के नीचे स्लिप करता है तो वहाँ से जो है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और मार्केट का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड वो कंटिन्यू हो सकता है। फिलहाल के लिए उसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है, या वोलाटिलिटी ज़्यादा रहेगी, थोड़े से ज़्यादा बड़े रेंज भी देखने को मिलेंगे, मगर मुझे लगता है कि यहाँ फिर अभी तक जो है तो बाउंस बैक कंप्लीट नहीं हुआ है, और हम जो है तो 37,100 टू 37,550 के लेवल जो है तो आने वाले दिनों में टेस्ट करेंगे ही। तो यहाँ मेरा लॉन्ग व्यू ही रहेगा मगर स्टॉप लॉस के साथ। अभी यहाँ जो जिनके पास भी लॉन्ग पोजिशन है उन्हें स्टॉप लॉस रखना है 35,820 के नीचे, ये छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपको बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 35,600 के नीचे। तो ये दो लेवल जो है तो आपको वेट ऑन वॉच करने हैं अच्छे से क्लोजली, और यह हमारा जो बाय ऑन डिप्स जो स्ट्रेटजी वो कंटिन्यू रहेगा। हमारे टारगेट जो रहेंगे वो रहेंगे 37,100, उसके बाद में 37,550 के जो टारगेट है हम शायद आने वाले दो चार ट्रेडिंग सेशन में ये जो टारगेट से ये हम बैंक निफ्टी अचीव करते हुए देख सकते हैं। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे देख सकते हो आप कि हमने ओपनिंग तो अच्छी की थी, मगर वहाँ जो है तो प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो गई मार्केट में, क्योंकि यहाँ जो है तो हमने पिछले वीक का जो हाई था वो क्रॉस किया, मगर वहाँ सस्टेन नहीं हो पाया, और हम जो है तो फिर से एवरेजेस की तरफ यहाँ करेक्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ जो है तो एज़ पर आवरली चार्ट जिन्हें छोटा स्टॉप लॉस रखना है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 36,000 के नीचे। अगर 36,000 के नीचे बैंक निफ्टी स्लिप होता है तो जो छोटे ट्रेडर्स हैं उन्हें निकल जाना चाहिए। अगर आपको डीप स्टॉप लॉस रखना है तो 35,600 के नीचे, तो नीचे के लेवल पे 35,800 और 600 के मेजर सपोर्ट जोन है। अगर ये टूट जाते हैं और हम उसके नीचे ट्रेड करते हैं तो हो सकता है कि हम फिर से जो है तो जो लोअर लेवल थे उसके तरफ अग्रेसर होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा बुल्स के लिए दिक्कत हो सकती है। यहाँ हमने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी देखी थी, मगर यहाँ जो है तो ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सेल ऑफ भी आ रहा है मार्केट में, और यहाँ जो है तो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ मोस्टली आई विल प्रीफर लॉन्ग साइड विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जिनको रिस्क नहीं लेना है ज़्यादा तो वो फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में रह सकते हो। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो 36,000 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस कीजिए, उसको जो है तो डिप्स पे बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस सेम रहेगा 35,600 के नीचे। अगर फ्यूचर उसके नीचे स्लिप करता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस हो रहा होगा वो आपका लेकर निकल जाना पड़ेगा। अगर ऊपर हमें 37,100 और उसके ऊपर के लेवल देखने को मिलते हैं तो हमें ये कॉल ऑप्शन में जो है तो अच्छे खासे गेन 2x प्लस गेन देखने को मिल सकते हैं, मगर यहाँ आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना होगा, और यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस लॉन्ग साइड पे बहुत ज़्यादा, दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी यहाँ जो है तो विक्स ने शायद सपोर्ट ले लिया है, और यहाँ फिर से हम जो है तो 40 के लेवल के तरफ विक्स बढ़ सकता है। अभी जो विक्स है वो 23-24 के नीचे नहीं जा रहा है, तो ये दिखाता है कि हम जो है
तो शायद हम 40 का टॉप जो है 40 45 का टॉप आने वाले समय में देख सकते हैं। तो यहाँ दिक्कत हो सकती है लॉन्ग साइड या फिर दोनों साइड के ट्रेडर्स को, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आपका इनका रेंज बढ़ेगा और ये जो मार्केट ये ना सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा ना ही रेजिस्टेंस को, तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत भरा काम हो सकता है। इसीलिए स्मॉल ट्रेडर उन्होंने अभी वेट एंड वॉच मोड में जाना चाहिए। अगर आपके पास रिस्क पोटेंशियल है तो ही मार्केट में ट्रेड कीजिए, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो विद लाइव मार्केट फॉलोअप एंड सपोर्ट, तो आप प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।